खबर रीवा जिले से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख हन्नान मौला, डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राह, युद्धवीर सिंह की उपस्थिति पर करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में 24 दिसंबर को आयोजित की गई। प्रमुख वक्ता के रूप में किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद रहे। बैठक का संचालन अध्यक्ष मंडल के जोगिंदर सिंह उग्राह, केरल से बीजू कृष्णन, राजस्थान से रंजीत राजू, मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनीलम, आंध्र प्रदेश से राउला वेंकैया ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि बैठक में 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालकर जिलाधीश को ज्ञापन देने तथा हरियाणा के जींद में विशाल किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ 26 जनवरी 2021 को किए गए षड्यंत्र और हिंसा की जानकारी किसानों को देगा तथा किसानों की एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, ₹5,000 प्रति माह किसान पेंशन देने, फसल बीमा राशि दिलाने, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के षड्यंत्रकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, ट्रेनी के इस्तीफे दिल्ली में किसानों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को रद्द करने की मांग के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिला स्तर पर किसान संगठन गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराने के शासकीय कार्यक्रम के बाद ट्रैक्टर रैली निकालेगा तथा संसद के बजट सत्र के दौरान किसानों के संसद मार्च निकालने का ऐलान 26 जनवरी को जींद में किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलनों का समर्थन किया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 80 दिन से चल रहे सुअर पालकों के आंदोलन का समर्थन किया है, जबकि प्रादेशिक समर्थन विगत 26 नवंबर को भोपाल राजभवन मार्च दौरान जारी किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों की कृषि उपज पर अतिरिक्त मंडी शुल्क थोपने तथा केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल संसद में पेश करने का विरोध करते हुए इसे किसानों के साथ धोखा बताया। संयुक्त किसान मोर्चा की मार्गदर्शिका तय करने के लिए 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में बैठक करने का निर्णय लिया गया। वहीं 81वें दिन रीवा में बसोर समाज का महापड़ाव आंदोलन जारी रहा। रीवा मोर्चा इकाई एवं आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुअर पशुपालकों के आंदोलन का समर्थन किए पर राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई दी है। रीवा में 81 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवाई में चल रहे सुअर पशुपालकों के आंदोलन का संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 24 दिसंबर को करनाल में आयोजित राष्ट्रीय मीटिंग में समर्थन किया है। हम आपको बता दें कि इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश स्तर पर विगत 26 नवंबर को भोपाल राजभवन मार्च के दौरान सारे संयुक्त किसान मोर्चे के साथियों ने रीवा सुअर पशुपालकों के आंदोलन का समर्थन किया था। मैं संयुक्त किसान मोर्चा इकाई रीवा संभाग की ओर से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं और मैं निवेदन भी करता हूं कि ये अहम मुद्दा है और संयुक्त किसान मोर्चा देश में फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इस आंदोलन को और भी मजबूती प्रदान करने का कार्य करें।